संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मंगलवार को पानीपत किसान भवन में प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हरियाणा के किसानों ने संसद कूच के लिए रणनीति बनाई। इसमें निर्णय लिया गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देशानुसार जो भी समय दिया जाएगा उस समय प्रदेश भर के किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुँचना शुरू होंगे। टिकैत गुट के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मुख्य रूप से पानीपत किसान भवन प्रधान सोनू मालपुरिया मौजूद रहे। प्रदेश स्तरीय बैठक में जिले के किसानों ने अलग अलग जिले की समस्या भी बताई। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने प्रदेश स्तरीय बैठक में कहा कि हर सरकार ने किसानों के लठ मारे है, किसी सरकार ने पीठ पर लठ मारे तो कुछ सरकार ने सीधा सिर पर ही लठ मार दिए हैं। मान ने बताया कि प्रदेश भर में 25,000 से ज्यादा किसानों के खिलाफ केस दर्ज है। जब भी किसान की फसल पेमेंट में नहीं आती है तो प्रदर्शन करता है तो उसके ऊपर केस दर्ज कर देते हैं। ऐसा ही एक केस जगाधरी का है, जिसमें 70 साल के बुजुर्ग के खाते से 45,000 रुपए काट लिए, प्रदर्शन करने पर उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसको लेकर प्रदेश भर के किसान जगाधरी कोर्ट के बाहर 2 मार्च को विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार से गिरफ्तारी करने का जवाब मांगेंगे। पानीपत किसान भवन प्रधान मोनू मालपुरिया ने कहा कि सरकार हर चीज में अपनी मनमानी कर रही है, जिस कारण अब किसानों को फिर से आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।